हेलो फ्रेंड, मैं अरशद अय्यूब गुरुकुल कोचिंग के ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अब आपका जो मेंस्ट्रुएशन का 2D पार्ट जो बचा हुआ है, 2D फिगर के अंतर्गत जितना भी आता है आपका, उसमें बहुत ही छोटा छोटा टॉपिक बचा हुआ है। जैसे आपका हो गया समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, तो ये बहुत ही छोटा छोटा टॉपिक है। इसमें क्वेश्चन उतना घुमाता नहीं है, नॉर्मली फॉर्मूला के ऊपर आपका क्वेश्चन होता है। अगर घुमाता भी है तो बहुत थोड़ा सा। तो आइए इन सब फिगर पे आज हम लोग ध्यान देते हैं, उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे हम लोग 2D फिगर, 3D फिगर में हम लोग आ जाएंगे। 3D फिगर में होता है आपका घन हो गया, घनाभ हो गया, शंकु हो गया, बेलन हो गया, ये सब आपका 3D फिगर कहलाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो आपका पहला टॉपिक है वो है सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज किसको कहते हैं, ध्यान दीजिए कि सम चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है कि ये देखिए यहां पर देख रहे हैं आप, ये सभी भुजा आपस में बराबर होगा, ठीक वर्ग के जैसा। वर्ग का सभी भुजा आपस में बराबर होता है ना, तो इसमें भी सभी भुजा बराबर होगा, लेकिन वर्ग को हम लोग सम चतुर्भुज फिर भी नहीं कहेंगे। वर्ग को सम चतुर्भुज फिर भी नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि देखिए यहां पर जो आपका फिगर ये जो बनता है वो थोड़ा सा डाउन रहता है, ये फिगर थोड़ा सा डाउन रहता है आपका। उसके बाद D1 इसका एक विकर्ण को क्या कहेंगे, विकर्ण को डायगोनल कहते हैं, तो एक आपका D1 हो गया और एक D2 हो गया, इसमें भी दो विकर्ण रहेगा। उसके अलावा क्या है कि यहाँ पे जो दो विकर्ण जहां पे काटता है एक दूसरे को, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाएगा, हर जगह 90 डिग्री का कोण बनाएगा। क्लियर है, ये आपका 90 डिग्री का कोण बनाएगा ऑलवेज। अब यहाँ पे ध्यान ये देना है कि अगर ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, कुछ इस तरह से बन रहा है आपका, ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, अगर इसको हम पलट दे तो कुछ इस तरह से बनेगा। तो ये क्या हो गया, मतलब सिर्फ ये वाला पार्ट अगर हम लेते हैं तो ये एक आपका समकोण त्रिभुज बनता है, जिसमें ये आपका काम करेगा कर्ण का, ये वाला जो पार्ट है वो कर्ण का काम यहां ना करके कर्ण का काम यहां करेगा, और इन दोनों में से किसी को लंब और किसी को आधार आप मान सकते हैं। क्लियर है, बात करते हैं फॉर्मूला की। तो चूंकि परिमाप कहा किसको जाता है, तो सभी भुजाओं का योग आपका परिमाप कहलाता है, तो L प्लस L प्लस L प्लस L सभी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4L आएगा ना, तो परिमाप तो आपका हो गया 4L। उसके बाद बात करते हैं क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल बराबर होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2, यानी कि आधा गुना विकर्ण एक, यानी पहला विकर्ण, और उसके बाद क्या गुना करेंगे इसमें, दूसरे विकर्ण को गुना कर देंगे। इसके अलावा एक और फॉर्मूला कभी कभी काम आता है, क्षेत्रफल बराबर, जैसे कि ये फिगर है आपका, ये आपका फिगर है किसका, तो ये फिगर है आपका सम चतुर्भुज का फिगर है। तो सम चतुर्भुज में अगर मान लीजिए ये आपको पता है कि ये L है, और कहीं से अगर आपको हाइट भी पता चल जाए, ये वाला ऊंचाई यानी इन दोनों की बीच की दूरी एकदम स्ट्रेट लाइन में अगर ये पता चल जाए, ये हाइट पता चल जाए, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, हाइट मतलब ऊंचाई एकदम यहां से यहां तक स्ट्रेट लाइन में अगर ऊंचाई आपको पता चल जाए, तो इसके लिए आपका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, तो क्षेत्रफल बराबर इसको हम लोग बोल सकते हैं आधार, आधार गुना ऊंचाई भी इसका क्षेत्रफल होता है, जहां पे आधार कितना हो जाएगा L हो जाएगा, और ऊंचाई कितना हो जाएगा आपका H हो जाएगा। तो इस ये छोटे से पॉइंट पे हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, और मैं भी पूछूंगा। क्लियर है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं। बस यही है इसमें, परिमाप और क्षेत्रफल निकालने के लिए पूछा जाता है, डायगोनल निकालने के लिए पूछा जाता है। मान लीजिए अगर आपसे पूछा गया हो कि डायगोनल निकालिए, ये वाला डायगोनल D1 निकालना है, तो D1 निकालना है, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि D1 अगर निकालना है तो यहां पे देखिए यहां से यहां तक का अगर टोटल दूरी है D1, तो यहां से यहां तक का कितना हो जाएगा, तो आधा हो जाएगा, यानी D1/2 होगा, और यहां से यहां तक D2 क्या हो जाएगा आपका, तो D2 भी, D2 को यहां से यहां तक अगर आधा करते हैं तो D2/2 ये भी आधा हो गया। अगर यहां पे हमें निकालना है कि D1 का वैल्यू निकालना है, तो यानी ये वाला लंब का वैल्यू निकालना है, तो क्या हो जाएगा, कर्ण माइनस आधार, पाइथागोरस थ्योरम यहां पे लगा सकते हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, कर्ण यानी कि कर्ण, आप कर्ण को हमने L माना है, यानी कितना हो जाएगा, L स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा आपका, तो माइनस अगर D1 निकालना है तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका, D2 बाई
टू का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो ये आपका छोटा सा, ये अगर समझने में प्रॉब्लम है तो जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे वहां पे कोई वैल्यू दिया रहेगा तो वहां पे और अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। आइए देखें फ्रेंड, आज का फर्स्ट क्वेश्चन एकदम नॉर्मल मैंने लिया है कि किसी सम चतुर्भुज की दोनों विकर्णों की लंबाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। यानी अगर ये आपका समचतुर्भुज है, सब बस नाम आपको ध्यान रखना है, आपको पता होना चाहिए कि समचतुर्भुज का क्या फॉर्मूला होता है। अगर ये D1 है और यहाँ से यहाँ तक D2 है, तो यहाँ D1 का वैल्यू दिया गया है कितना, एक विकर्ण का लंबाई 12 सेंटीमीटर है और दूसरे विकर्ण का लंबाई कितना है, 6 सेंटीमीटर है। तो इसको कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, तो नॉर्मली हमें क्या करना है, क्षेत्रफल बराबर मैंने लिखवा दिया क्या होता है, हाफ इंटू डी वन इंटू डी टू। डी वन का वैल्यू दिया गया है 12 और डी टू का वैल्यू दिया गया है 6, यानी दूध तियाई 6 कितना हो जाएगा, 12 तियाई 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका पूछा भी गया है, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही नॉर्मल हो गया। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इसका आगे वाला पार्ट, मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा करके किस तरह से, हल्का सा ही इसमें घुमाया जाता है, लेकिन कैसे कैसे घुमाया जाता है क्वेश्चन को वो हम लोग देखेंगे। तो आइए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या है। देखिए फ्रेंड, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, एक सम चतुर्भुज के दोनों विकर्ण क्रमशः 32 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर हैं, तो इसका परिमाप क्या होगा। परिमाप किसको कहते हैं, तो जो सम चतुर्भुज का चारों भुजा है किनारे का, उसको अगर जोड़ दें तो मेरा क्या निकल जाता है, परिमाप निकल जाता है। तो परिमाप निकालने के लिए भुजा पता होना बहुत जरूरी है। अब भुजा कहाँ से पता चलेगा, तो इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं फिगर को। ये आपका क्या है, सम चतुर्भुज है, ये क्या है आपका, सम चतुर्भुज है। हमें पहले ये भुजा निकालना होगा। अगर मैं बात करूं विकर्ण की, तो चलिए ये बड़ा विकर्ण है, इसको हम लोग मान लेते हैं कितना, तो इसको 32 सेंटीमीटर मान लिए, यहां से यहां तक, यानी अगर नाम दे दें तो ए बी सी डी। तो यहां पे एसी का लंबाई कितना दिया गया है, ये सब क्वेश्चन ही लिख रहा हूं मैं, सिर्फ समझाने के लिए, एग्जामिनेशन में ऐसे नहीं बनाना है आपको। कितना है आपका, 32 सेंटीमीटर, सिर्फ समझाने के लिए, आपके नोट्स के लिए, बाकी आप खुद से भी शॉर्ट मार सकते हैं यहाँ पे एक बार अगर समझ में आ जाए तो। उसके बाद दूसरा विकर्ण का लंबाई कितना है, तो 24 सेंटीमीटर है, यानी BD का वैल्यू कितना दिया गया है, तो BD का वैल्यू दिया गया है 24 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं कि ये जो दोनों विकर्ण है, एक दूसरे को ठीक मिड पॉइंट पे काटता है, यानी कि इसको दो बराबर भाग में बांटता है। ये वाला विकर्ण है, इसको दो बराबर भाग में बांटेगा, दो बराबर भाग में बांटेगा। तो अगर यहाँ पे एसी का लंबाई अगर 32 सेंटीमीटर है, एसी का लंबाई 32 सेंटीमीटर है, तो अगर 32 को आधा कर दिया जाए, यानी कि कितना हो जाएगा, 16। तो इसको हम बोल सकते हैं कि यहां से लेकर के यहां तक का लंबाई कितना है, 16 है। फिर यहां से यहां तक का लंबाई भी आपका कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक उसी तरह से अगर ये यहाँ BD का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक 24 है, तो अगर दो भाग में दो बराबर भाग में बांटेंगे तो कितना कितना बटेगा, 12 12, यानी ये 12 और ये 12 मिलके कितना हो गया, 24, यानी यहाँ से यहाँ तक का 12 और यहाँ से यहाँ तक का 16। अब मैंने आपको बताया था कि जहां पे क्रॉस करता है वहां कितना डिग्री का कोण बनता है, तो 90 डिग्री का कोण बनता है। डेट मीन्स ये क्या है आपका, समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो अगर हम इसको आधार मान रहे हैं और इसको लंब मान रहे हैं, देखिए समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एक कोण 90 डिग्री का कोण होता है, और जहां 90 डिग्री का कोण बनता है उसका दोनों जो जहां कोण का जो दोनों कोण के तरफ से जो दोनों रेखा जाता है वो एक लंब होता है और एक आधार होता है। या तो लंब ये है तो आधार ये है, और लंब ये है तो आधार ये है, दोनों में से आप, या फिर आप ये कह सकते हैं आधार ये है तो लंब ये है। लेकिन ये वाला पोर्शन जो होता है, तीसरा पोर्शन, ये आपका कर्ण कहलाता है। तो 90 डिग्री का जहां कोण बन रहा है उसका दोनों भुजा आपको दिखाई दे रहा है, तो किसी को भी आप आधार मान ले और किसी को भी क्या मान ले, किसी को लंब मान ले, तो उससे उसके आधार पे आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो इस अगर ये आधार है, ये लंब है, तो ये कर्ण होगा। अगर ये आधार है, ये लंब है, तब भी कर्ण आपका यही रहेगा। तो कर्ण बराबर क्या होता है, हम लोग पिछले क्लास में भी पढ़े हैं और बार-बार पढ़ते हुए आए हैं कि कर्ण बराबर क्या होता है, तो लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यानी 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, अंडर रूट 256 प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। इसको जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 6 4 10, 5 4 9 और 1 10, 2 और 1 3 और 1 4, यानी 400। और 400 आपका किसका स्क्वायर होता है, तो 20 का स्क्वायर 400 होता है, 20 का स्क्वायर आपका 400 होता है। तो यहाँ ये वाला कर्ण का वैल्यू आपको पता चल गया कि कितना है, 20 है।
अब ये कर्ण आपका क्या है, इस सम को सम चतुर्भुज का एक भुजा है। अब एक भुजा का मान आपका आ गया 20, लेकिन आपको निकालना क्या है, परिमाप क्या होगा, यानी चारों भुजाओं को जोड़ना पड़ेगा। तो आपको पता है कि सम चतुर्भुज में चारों भुजा क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो अगर ये 20 है तो ये भी 20 होगा, ये भी 20 होगा, ये भी 20 होगा, तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 20 20 40 20 60 और 20 80 आपका आंसर होगा। या फॉर्मूला पे पुट करना चाहते हैं तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है सम चतुर्भुज में, परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 गुना भुजा, 4 × L लिखवाए थे ना, तो 4L ना लिख करके, वहां पे L आपका भुजा था, तो 4 गुना भुजा होता है। तो इस पे अगर आप पुट करते हैं तो 4 गुना 1 भुजा का लंबाई कितना है, 20 है, तो 20 चौके कितना हो जाएगा, 80 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3rd में चाहूंगा कि आप लोग वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करें बनाने का। एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं। एक सम चतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है, यदि दोनों विकर्णों में एक की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी। मैं चाहता हूं कि एक बार आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करें। देखिए, एक बार मैं समझा दे रहा हूं और समझाते समझाते जहां पे समझ में आ जाएगा उसके बाद वीडियो पॉज करके आप लोग खुद से ट्राई कर लेंगे, अदरवाइज मैं इसको कंटिन्यू रखूंगा। देखिए, ये आपका एक सम चतुर्भुज है। कहा गया कि एक विकर्ण का जो लंबाई है वो दिया गया है कितना, तो वो 12 सेंटीमीटर दिया गया है। तो दूसरा विकर्ण का भी कुछ लंबाई होगा, यहाँ से यहाँ तक का होगा ना कुछ लंबाई। तो अगर यहाँ से यहाँ तक का लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो आप बताएं सिर्फ यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लंबाई कितना होगा, तो पूरे का 12, तो इसके आधा का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, होगा ना 6 ये और 6 इधर, दोनों मिलकर के 12 बना होगा। अब यहाँ पे बोला गया कि इसका परिमाप 40 सेंटीमीटर है, तो परिमाप अगर 40 सेंटीमीटर है, परिमाप मतलब चारों भुजाओं को जोड़ने के बाद 40 अगर आया है, तो एक भुजा का लंबाई कितना होगा, तो 40/4 अगर हम करते हैं तो ये 4 बराबर भाग में बटेगा कि नहीं, यानी 10 ये भी, 10 ये भी, 10 ये भी और 10 ये भी, तभी तो 40 बना होगा। ये आपका बन गया टोटल 40 सेंटीमीटर का परिमाप बन गया। अब देखिए, यहाँ पे आपको पता है कि 90 डिग्री का कोण बनता है, यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनता है, तो 90 डिग्री का कोण आपका बनता है, तो क्या आप नहीं निकाल सकते हैं कि यहाँ से लेकर कि यहाँ तक का लंबाई कितना है, तो आइए निकाल करके देखते हैं। तो ये वाला पार्ट को आप आधार मान लें और इसको कर्ण मान लें, तो इस बार आपको क्या निकालना है, लंब निकालना है, यानी अगर नाम दे दें ए बी सी डी, इसको अगर ओ दे देते हैं तो यहाँ पे ए ओ का लंबाई क्या हो जाएगा, ए ओ बराबर क्या होगा, तो अंडर रूट कर्ण स्क्वायर, कर्ण हमेशा इसको मानते हैं, यानी 10 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा आपका, 6 का स्क्वायर यानी आधार का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 100 माइनस 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36 होगा। तो इस आधार पे आपका ए ओ का लंबाई क्या आ जाएगा, तो अंडर रूट 64 इक्वल टू क्या कहा, 1 सेंटीमीटर बाहर निकलेगा। तो 3rd नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि एक सम चतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है, यदि दोनों विकर्णों में से एक की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी। फ्रेंड, मैं चाहूंगा कि वीडियो को पॉज करके आप लोग खुद से ट्राई करें, अगर समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट तो वीडियो को अभी से पॉज कर ले, बनाने के लिए ट्राई करें, उसके बाद अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं जैसे जैसे बताऊंगा, जो स्टेप के बाद आपको लगता है कि आपको समझ में आज अब इसके बाद आप खुद बना सकते हैं, तो वहीं पे वीडियो को पॉज करके और खुद से ट्राई करें। जितना खुद से ट्राई करेंगे आगे आने वाले क्वेश्चन में या फिर जब आप बुक से बनाएंगे तो उतना आपका प्रैक्टिस होगा और खुद से बनाने का आपका स्टेमिना, आपका कैपेसिटी बढ़ेगा, ठीक है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि ये एक सम चतुर्भुज है, ये आपका एक सम चतुर्भुज है। इस सम चतुर्भुज में एक का लंबाई दिया गया है कितना, 12 सेंटीमीटर दिया गया है, चलिए इसको 12 मान लेते हैं। यहां से यहां तक का लंबाई सबको नाम दे देते हैं, पहले ए बी सी और डी, और दोनों विकर्ण जहां पे कटता है उसको हम लोग ओ दे देते हैं नाम। तो आप बताएं कि कोई भी एक विकर्ण का लंबाई 12 सेंटीमीटर है, किसी को भी 12 मान सकते हैं आप, तो मान लेते हैं कि ये यहां से यहां तक का अगर 12 है तो यहां से यहां तक का लंबाई कितना हो जाएगा, 6, क्योंकि दो बराबर भाग में बांटता है ना, तो 6 ये रहा होगा और 6 यहां, तभी तो दोनों मिलकर 12 हुआ।
तो ये आपको पता चल गया कि ये 6 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे 90 डिग्री का कोण अगर बनता है और ये आधार है तो ये लंब हो जाएगा, अगर और ये लंब है तो ये आधार हो जाएगा, दोनों का फॉर्मूला वही होता है। यानी कि अगर यहाँ पे AO का वैल्यू निकालना है आपको तो AO बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे परिमाप की, तो परिमाप 40 सेंटीमीटर अगर दिया गया है तो 40 सेंटीमीटर तो चारों भुजा मिला करके दिया गया है, तो अगर एक भुजा का निकालना है तो ये चार बराबर भाग में बटा हुआ है, तो चार दहा 40 यानी कि एक का माप कितना है, 10 है, 10 है और 10 है और ये भी 10 है, तभी तो 40 हुआ होगा। अब यहाँ पे आपको कर्ण पता है तो कर्ण बराबर क्या होता है, सॉरी यहाँ पे AO यानी लंब निकालना है तो लंब बराबर क्या होता है, तो कर्ण स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर। अगर इसको लंब ना मान करके आधार मानते हैं, AO का आधार मान सकते हैं, तो फिर ये लंब हो जाएगा, तो AO को अगर आधार मान रहे हैं तो आधार बराबर भी क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस अगर आधार निकालना है तो यहाँ लंब स्क्वायर, तो ये आपका कर्ण, अगर ये आपका लंब है, ये अगर आपका आधार है तो लंब ये हो जाएगा, तो यहाँ पे लंब स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे तो लंब स्क्वायर का भी वैल्यू कितना आएगा, 60 स्क्वायर आएगा। ये सब कॉन्सेप्ट तो त्रिकोणमिति में, ज्योमेट्री में और इससे पहले त्रिभुज वगैरह में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100 माइनस 6 का स्क्वायर 36 इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 64। ये क्या बाहर निकलेगा आपका, तो 8 को बाहर निकालेगा क्योंकि 8 का स्क्वायर होता है 64, यानी AO का लंबाई निकल गया आपका कितना, 8 सेंटीमीटर। तो आपको निकालना क्या है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई, तो आप बताएं दूसरे विकर्ण की लंबाई, यहां से यहां तक तो विकर्ण नहीं कहलाएगा, विकर्ण क्या कहलाता है, पूरा यहां से यहां तक, यहां से लेकर के पूरा यहां तक का लंबाई आपको निकालना है। तो अगर ये वाला वैल्यू अगर 8 सेंटीमीटर आ गया है तो ये भी 8 सेंटीमीटर रहा होगा, तो यहां पे आप बोल सकते हैं दोनों मिला करके हमको ऐड करना है, तो यहां पे 8 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। या इसी को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो एसी बराबर क्या हो जाएगा, तो एसी बराबर आप लिख सकते हैं कि 2 × 8 इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। क्लियर है, तो आइए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ जल्दी। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि किसी समचतुर्भुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर दिया गया है। अब यहाँ पे लाइन बाय लाइन बनाते हैं, ये यहाँ पे आपका एक समचतुर्भुज है और इसका परिमाप दिया गया है कितना, तो इसका परिमाप दिया गया है 60 पूरे का है, तो एक का लंबाई कितना हो जाएगा, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 15 × 60 होता है यानी 15 सेंटीमीटर, यानी सभी कितना कितना सेंटीमीटर है, तो 15 सेंटीमीटर का सभी है, सभी कितना कितना सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर, और उसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर दिया गया है, यानी ये वाला भाग एकदम कितना दिया गया है, ऊंचाई कितना दिया गया है, तो 6 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हमने कहा था कि जब आपको क्षेत्रफल निकालना हो, अगर जब भी क्षेत्रफल निकालना हो तो क्षेत्रफल निकालने का तरीका क्या हो जाएगा, तो क्षेत्रफल जब भी ऊंचाई दिया रहेगा तो क्षेत्रफल निकालने का क्या तरीका होता है, तो क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुना ऊंचाई। आधार किसको कहते हैं, बेस को कहते हैं हम लोग, यानी यहां पे आधार का काम कौन कर रहा है, तो 15 कर रहा है, और ऊंचाई का काम कौन कर रहा है, तो ऊंचाई यहां पे 6 सेंटीमीटर है, यानी 15 × 6 = 90 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपका पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा समचतुर्भुज का। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक उठाते हैं समांतर चतुर्भुज से। अभी हम लोग चतुर्भुज ही पढ़ेंगे, समांतर चतुर्भुज में भी नॉर्मल तरीके का क्वेश्चन आता है, तो उसमें भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि ये समांतर चतुर्भुज किसको कहते हैं। देखिए फ्रेंड, समांतर चतुर्भुज, देखिए अगर वर्ग का जो फिगर होता है, वर्ग को हल्का सा डाउन करके हम लोग बनाते हैं, तो क्या बना, वर्ग को डाउन करने से आपका बन गया आपका जाकर के समचतुर्भुज, यानी जिसका चारों भुजा बराबर होता है। आयत का क्या डेफिनेशन होता है, जिसकी आमने सामने के भुजा आपस में बराबर हो, तो आयत होता है चारों भुजा नहीं, सिर्फ आमने सामने का भुजा, तो अगर उसको डाउन कर देते हैं, आयत को डाउन करते हैं, तो क्या बनता है आपका, समांतर चतुर्भुज बनता है। यानी समांतर चतुर्भुज में भी क्या होता है कि आमने सामने का भुजा बराबर होता है, ये एल है तो ये भी एल रहेगा और ये बी है तो ये भी बी रहेगा, यानी कि ये वाला भुजा और ये वाला भुजा आपस में बराबर होगा और ये भुजा आपस में बराबर होगा। बात करते हैं इसकी फॉर्मूला की, तो फॉर्मूला क्या कहता है, तो देखिए यहाँ पे अगर फॉर्मूला की बात करें तो परिमाप अगर निकालना है तो परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, तो जो आयत का होता था वही इस यहाँ पे परिमाप आप मान सकते हैं 2 × L + B, यानी 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई आप यहाँ पे बोल सकते हैं। और उसके बाद अगर बात करते हैं इसके क्षेत्रफल का, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है,
तो क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई। तो बेस को यहां पे लंबाई कहा गया है, लेकिन बेस है तो ये आपका बेस ही, तो यहां पे अगर यहां पे आपको ऊंचाई पता चल जाए, ऊंचाई इंफॉर्मेशन में दिया रहेगा हमेशा समांतर चतुर्भुज में, ऊंचाई के बिना क्षेत्रफल नहीं निकल सकता है, तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका आधार गुना ऊंचाई, अगर लिख रहे हैं इसका फॉर्मूला तो एल इंटू एच हो जाएगा, यानी इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/2 इंटू एल इंटू एच हो जाएगा। अगर हिंदी में बात करें तो 1/2 इंटू आप यहां पे बोल सकते हैं आधार गुना ऊंचाई। क्लियर है? तो यही दोनों फॉर्मूला के आधार पे हम लोग देखेंगे कि समांतर चतुर्भुज और इससे रिलेटेड अगर और भी कुछ कॉन्सेप्ट अगर आता है तो वो उसी समय क्लियर करेंगे, ताकि आपका आप कहीं पे भी कंफ्यूज ना हो। तो आइए बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में समांतर चतुर्भुज का। नॉर्मल क्वेश्चन मैंने नहीं लिया है, क्योंकि अगर साधारण क्वेश्चन आपसे पूछा जाता कि लंबाई एक, मान लीजिए ये समचतुर्भुज है, ये समचतुर्भुज है, अगर यहाँ पे ये हाइट दे दिया जाता कि ये 12 है और ये आपका 27-36 कुछ भी मान ले इन दोनों में से दिया रहता, तो आधार गुना ऊंचाई डायरेक्ट क्षेत्रफल निकल जाता है। तो ये सब क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा हुआ है आपका कि एक समांतर चतुर्भुज के निकटवर्ती भुजाएं 36 सेंटीमीटर और 27 सेंटीमीटर है, तदनुसार यदि उस चतुर्भुज की छोटी भुजाओं की दूरी कितना है, छोटी भुजाओं की दूरी है आपका 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे फ्रेंड कहा गया कि छोटी भुजाओं की दूरी 12 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे छोटी भुजाएं के बारे में अगर दूरी बोला जा रहा है तो यहाँ पे आधार का काम कौन करेगा, तो आधार का काम करेगा छोटी भुजा यानी कि 27। तो यहाँ पे क्षेत्रफल की बात करें तो इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, आधार गुना ऊंचाई। आधार किसको माना जाता है हमेशा, भुजा को, तो छोटी भुजा के बारे में बोला गया यानी कि 27, और ऊंचाई कितना है, ऊंचाई आपका दिया गया है कितना 12 सेंटीमीटर दिया गया है, यानी 12 × 7 = 84, 24 और 8 कितना हो गया 32, यानी 324 सेंटीमीटर² आपका क्या निकल गया, क्षेत्रफल निकल गया। अब यहाँ पे लंबाई चाहे इधर से नापे कहीं से भी लंबाई नापे, क्षेत्रफल तो इसका नहीं बदलेगा, ऊंचाई आपको जहां से नापना है नापिए, लेकिन क्षेत्रफल तो यही रहेगा। तो अगेन अगर मैं बात करूं कि क्षेत्रफल बराबर, चूंकि हमें पता चल गया कि क्षेत्रफल बराबर कितना है, तो क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुना ऊंचाई जिसका वैल्यू आ गया है कितना 324। अब इसको हम बड़ी भुजा पे, अगर यहाँ पे बड़ी भुजा की ऊंचाई पूछा जा रहा है, तो बड़ी भुजा के आधार पे अगर मैं बात करूं तो बड़ी भुजा, तो भुजा को ही आधार मानते हैं, तो बड़ी भुजा इस बार कितना है 36 है, तो इसके आधार पे आपको क्या निकालना है, ऊंचाई निकालना है। ऊंचाई बराबर क्या होगा 324, अब इसको काटते हैं 12 × 36, 12 × 24, 12 × 7 = 84, 3 × 3 = 27, तो इस आधार पे बड़ी भुजा की ऊंचाई कितना निकल गया आपका 9 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप आसानी से बना लेंगे। चलिए इसी के साथ आज हम लोग यहीं पे इस सेशन को समाप्त करते हैं। कल हम लोग अगले क्लास में समांतर चतुर्भुज का कुछ और क्वेश्चन देखेंगे, और उसके बाद फिर कल ही हम लोग क्या करेंगे, अगले ही क्लास में और फिगर को देख लेंगे। उसके बाद मुझे लगता है कि कल के बाद, मुझे लगता है कि एक या दो क्लास के बाद मैं उसके बाद अभी 2D फिगर देख रहे हैं, फिर 3D फिगर में हम लोग आ जाएंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं अगले क्लास में। गुड बाय, थैंक यू।